अरे बाप रे, किस तरह से अपनी दिख पा रही है। गुड़ मैं खा रहा है। तो ये इवनिंग स्नैक्स चल रहे हैं। इवनिंग स्नैक्स में खा रहे हैं मैगी। दुनिया हल्का फुल्का खाती है और हम हैवी खाते हैं ताकि रात को हल्का खाना खाया जाए। हाँ, ये डाइजेस्ट हो जाएगा। ये डाइजेस्ट आसानी से कहाँ होता है, मुझे तो होता ही नहीं। मौसी जी, मामी जी, तो आजकल के बच्चों को चढ़ा है सेविंग करने का शौक। तो हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं वो भी शेविंग कर रहे हैं। चेहरे पे लो ये पाउडर लगा रहे, आगे शेविंग कर रहे हैं। और तुम वास्तु, तुम मैं नहीं लगाया। नहीं, तुम भी लगाओ भाई, शेविंग करो। आप भी लगाओ। हाँ, ये बताओ यार, ये बच्चे मुझे भी आदमी बनाने वाले। हद कर दी बच्चों ने, मेरी भी दाढ़ी मूछ हो गई। मूछें तो आ जाती है, दाढ़ी नहीं आती है। तो दाढ़ी की इंतजाम किया जाए। नानी जी, दाढ़ी मूछ करवाऊं? बताओ नानी जी, दाढ़ी मूछ लगवाओ। लगवा लो। सबको हेलो बोल रही है गाइस। और ये आदमी, मतलब साल के बड़े आदमी है, दाढ़ी सफेद हो गई इनकी। दुनिया की दाढ़ी काली होती है, इनकी दाढ़ी सफेद है। छोटी उम्र में काली रहती है। अरे मैं बड़ा हूँ। 70 साल है इनकी उम्र, 70 साल है ना। तो मौसी जी, आपकी बहू नाती पोते कहाँ है? नाती पोते कहाँ मौसी जी के? वो घर छोड़ के चले। नाती पोते बच्चों को वही अभी से देखो क्या माइंड सेट कर रखा है इन्होंने। बच्चों का भविष्य नाती पोतों में। हाँ, नाती पोते होते कौन है ये पता? लो, इन्हें पता है नहीं, लेकिन नाती पोते चाहिए। घोर कर लियो, किसे कहते घोर कर लियो। ये ड्रामेबाज बच्चा हमारे यहाँ, ड्रामेबाज बच्चा सही है ना? हाँ, क्या सेविंग करने का शौक चढ़ा है इसके पापा? अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जरा एक कमेंट करके बताएं किट्टू के लिए। कमेंट्स करके बताएं, कमेंट्स में ही डंडा भेज दें, कमेंट्स में ही थप्पड़ चाटे सब गोदा भेज दें। नहीं, यस यस, दोस्त में जाके मिलेगी फिर। अभी तो सिर्फ बस ट्रेलर देखना है, और बाकी जो मूवी है वो घर जाके पता चले क्या है। अब देखते हैं मम्मी जी क्या कर रही है। तो मम्मी जी भी नहा धोकर रेडी हैं, पर मौसी जी नहीं नहाई हैं, अलग पता चल रहा है। मौसी भी नाक आ रही है। बस ये अभी मम्मी ना के आ जाए। अभी उठकर आई हैं मौसी जी, सीधे किचन में। मौसी जी को भूख लग रही है। मौसी जी सुबह से भूख लगी ना? देखो गाइस, हमारी मौसी जी कमाल की है, सुबह ही उन्हें भूख लगी है। तो अब ये मम्मी जी ने दाल, मम्मी जी किसकी किस दाल है ये? आज दाल की कचौड़ी आती है, चना दाल और मूंग दाल जो मैंने रात भिगो दिया था। अच्छा, और अब थोड़ी देर पहले, आधा घंटे पहले छन्नी में रख दिया था जिससे पानी इसका सारा निकल गया। अच्छा, तो बिल्कुल सूखी पीसनी है इसे, हम फिर भूनेंगे ना। हाँ, तो बिल्कुल ड्राई, मोटी मोटी दरदरी सी पीसनी है ये। तो गाइस, चलो खिलाएंगे कचौड़ियाँ। हाँ, रात को खाएंगे छोले भटूरे। यार, हम तो ऑयली फूड खाने के आदी हो गए, डाइटिंग किस बात की हमारी। तो गाइस, हम आपको दिखाते हैं कि आज ये कचौड़ियाँ कैसे बनती है, और बाकी देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करना। सभी, मैं सोकर उठी हूँ, सोकर उठते ही पूजा करने आ गई हूँ। नहीं, ये एक मजाक था, जोक सपाट मजाक कर रही थी मैं सोकर उठी, नहा धोली, एंड देन अब मैं आई हूँ पूजा करने के लिए। वैसे मम्मी जी ने पूजा कर दी है, लेकिन मुझे भी करनी है। यहाँ भी दीपक जला दिया है और यहाँ भी पूजा कर दी। कान्हा जी को भोग भी लगा दिया। हमारे कितने सारे कान्हा जी है, देखिए गाइस कितने प्यारे लड्डू गोपाल जी। और ये अभी भैया को गिफ्ट किए हैं किसी ने, और वो हम लोग लेके आए हैं। तो ये हमारे कान्हा जी हैं, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो अब मैं करती हूँ पूजा गाइस, और आप हमारी वीडियोस को देखते रहें।
तो गाइस ये बन रही है हमारी कचौड़ियाँ, यहाँ बन रही है चाय, यहाँ दूध उबल रहा है और ये रेडी किया था हमने बैटर दाल, ये दाल जो हमने भून ली है अच्छी तरह मसाले डाल के। और पर इसमें हमने प्याज नहीं डाली है, प्याज के बिना भूनी है आज हमने, प्याज नहीं डाली है। और ये कचौड़ियाँ जल्दी से खराब भी नहीं होती, कई दिन चल जाती है, हम सफर के लिए भी बना सकते हैं। और दाल को बिल्कुल इस तरह भूनना, बिल्कुल देखो ऐसे अलग अलग हो जाए बिल्कुल। मेरे मुँह में पानी आ रहा कचौड़ी देख के। अभी पहले खिलाओ भगवान जी, खिलाओ फिर उसके बाद लोगों को खिलाओ फिर खाओ। बताओ कितना लेट मिलेगा मुझे खाना यार, बताओ, इसीलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। तो ये बन रही है कचौड़ियाँ, अब पूछते हैं किस किस ने खाई है, किस किस को पसंद आई। तो मौसी जी सबसे पहले आपने खाई ना कचौड़ी सुबह उठते ही, मुझे पता था सुबह उठते ही आपको कचौड़ी चाहिए। नहीं मैंने नहा धो के खाई। तो मौसी जी बताइए कैसी बनी कचौड़ी? बहुत बहुत टेस्टी थी। पक्का? पक्का। चलो इनसे पूछा जाए आप क्या करना चाहेंगे। ये टिश्यू पेपर में पोंछ पोंछ के कचौड़ियों को खाया जा रहा है।